फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चिकन हमने लिया है उसके हमने चार पीस ले लिए हैं। ठीक है, जब आप चिकन करवाने जाएं चिकन वाले से इसी के चार पीस बनवा सकते हैं। तो इसके बाद मैं भाभी को कहूँगी कि आप हमें आगे बताएं कि आगे क्या करना है। हम पहले इसको चिकन के पीसीस को कट लगा देंगे दरमियान में, ये इस तरह से कि इसके अंदर मसाला जाएगा तो मसाला अंदर तक सही रह जाएगा। ठीक है, ये हम जो है चिकन को कट्स लगा रहे हैं। ठीक है, चिकन के पीसेस को कट्स लगाते जाएंगे और ये एक साइड रखते जाएंगे क्योंकि जो मसाला लगाना है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से रश बस जाए। ये आप देख लें कि आपने कट्स किस तरीके से लगाने हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा बोटी होगी वहाँ वहाँ काट लगाएंगे ताकि अंदर तक मसाला रख जाए हड्डी से साइड पे। ये आप देख लें आपने इस तरीके से कट्स लगाने हैं और ये कट्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसमें मसाला अच्छी तरीके से रच बसे। जितना अच्छा मसाला इसके अंदर लगेगा उतना ही अच्छा और बेहतरीन आपका स्टीम तैयार होगा। ये देखें यहाँ पे हमने सारे चिकन को कट्स लगा लिए हैं। कट्स आप देख सकते हैं वाजिए तरीके से। ठीक है, ये हमने इसे लगा लिया और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब इसके बाद आपने दूसरी साइड पे हमने जो है ऑयल रखा है फ्राई करने के लिए। इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसको हल्का सा चिकन को फ्राई इसलिए करना है कि आपको मालूम होगा कि चिकन का पानी होता है, इसको हल्का सा फ्राई इसलिए करेंगे इसका पानी इसमें से निकल जाए। अब हम वन बाई वन इसको फ्राई करते हैं। ऑयल को हमने पहले ही रख दिया था इसलिए ऑयल हमारा जो है ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन हल्का सा गर्म है और हमने इसे हल्का सा ही फ्राई करना है। जस्ट इसका पानी खुश करना है, जस्ट सिर्फ इसका फ्रेंड्स पानी खुश करना है ताकि थोड़ा सा पानी चिकन का खुश हो जाए और उसके बाद ताकि मसाला अच्छे तरीके से लग सके। ये मसाला लगाने से पहले करना है। अब ये देखें हमने चारों जो है पीसेस चिकन के इसमें डाल दिए हैं और ये अब इसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो चिकन हमने इसमें रखा था वो हमारा हाफ फ्राई हो गया और इसका पानी भी ड्राई हो गया, पानी मिला भी नहीं। ये आप देख सकते हैं इसमें अब पानी बिल्कुल नहीं और हमने ये हाफ फ्राई किया। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हाफ फ्राई करना है, इसका पानी ड्राई करना है कि हमने इसका वाटर ड्राई कर लिया। हमने बाई निकाल लिए। ठीक है, हाफ फ्राई करके चिकन अब इसको हम साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठीक है, दूसरी साइड पे हम इसका मसाला बनाना सिखाते हैं आपको। अब ये जो मसाले इसमें शामिल किए जा रहे हैं वो आप हमें एक एक करके बता दीजिए। इसमें 2 टेबल स्पून हमने दही का ऐड करना है पहले। वन एंड हाफ टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक हो गया। वन एंड हाफ टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ जीरा और धनिया, सूखा धनिया, सूखा धनिया और हल्का सा वो रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके हमने इसे पीस लिया है कुंडी में। अच्छा, अब इसमें ये एक 1.5 टेबल स्पून इसमें शांति का मसाला, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा काली मिर्च है और नमक भी अपने हिसाब से जितना कर आप खाते हैं और 1/2 टीस्पून इसमें ये हल्दी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ठीक, ये सब चीज़ें भी आपने इसमें शामिल कर लेनी है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा। वन टेबल स्पून सही भर के इसमें सिरका चला गया।
इसमें थोड़ा सा ज़रदा रंग भी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है इसका। ठीक है, यानी कि जो हमें बाज़ार से चिकन स्टीम मिलता है जो आपको उससे येलो येलो कलर लगता है, उसका वजह यह है कि उसमें ज़रदा रंग शामिल होता है। तो हम ये हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम ही डालेंगे ज़रदा रंग, ये अपने कलर के हिसाब से जिस तरह का आपके कलर हो डालना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मैं इसमें अजवाइन, चाट मसाला और अनारदाना ऐड करने जा रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून है, ये भी 1 टेबल स्पून है, और अजवाइन जो है ये 1 टेबल स्पून से थोड़ी कम है, 1/2 टेबल स्पून है, अनारदाना और चाट मसाला और अजवाइन। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सारे को सारे जो मिक्सचर है उसको हमने यकजान कर दिया। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से करना है, आप देख सकते हैं। और ये ऐसा ही ड्राई होना चाहिए, और ये इसी तरीके से ड्राई होना चाहिए, इसमें ज़्यादा दही नहीं यूज़ करना कि ये ज़्यादा लिक्विड बन जाए, क्योंकि इस तरीके से होगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है आपके चिकन पे लग जाएगा और रस बस जाएगा। अब हम जो है इस मसाले के अंदर चिकन को मैरिनेट करने लगे। ये सारा मसाला ऐसे लगाते जाना है इसके अंदर, इसके कोटिंग करते हैं, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देनी है मसाले की। आप देखें, आपने आज जो हाफ फ्राइड चिकन हमने करके रखा था, अब हम उससे जो है कोटिंग कर रहे हैं मसाले की, और आप देख लें इस पर आपने मसाला इस तरीके से कोट करना है अच्छे से, रच बस जाए ताकि। ये आपने जो इसके कट्स हैं इसमें जो है मसाला लगाना है, सही तरीके से मसाला लगाना है। ये आपके सामने हमने दो को लगा दिए, तो बाकी भी आपने इसी तरीके से सारे पीसेस को अच्छी तरीके से मसाला लगा लेना है। ठीक है, सारे जो इसके कट्स हैं उसको अच्छी तरीके से फिल अप करना है। मैरिनेट कर दिया, अब हम इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये मसाले इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएं। 4 घंटे बाद इसको हम हल्की सी आंच पे हल्का सा ऑयल डाल के उसमें दम में रख देंगे, फिर स्टीम कर लेंगे। अभी ये जो है मैरिनेट हम कर चुके हुए हैं, अब इसको जो है फ्रेंड्स हम रखने जा रहे हैं 4 आवर्स के लिए फ्रिज में। ठीक है, तो उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है, कि स्टीम कैसे करेंगे इसको। जी फ्रेंड्स, ये देख लें, मैंने 4 से 5 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था, और अब हम आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका हुआ है। तो अब हम इसे स्टीम करेंगे विदाउट स्टीमर के। आप ये देखें कितने अच्छे तरीके से इस पर मसाला रच बस चुका हुआ है। ठीक है, 4 से 5 घंटे के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने एक पैन रखा है जिसमें हमने सिर्फ 1/2 टेबल स्पून जो है ना ऑयल डाला और इसको गर्म करने रख दिया। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको स्टीम कैसे करना है। अब ये देखें हमारा जो है पैन भी गर्म हो चुका है, और हमारा पूरा पैन जो है ना हमने उसके ग्रीस हो गया और इसे। ठीक है, अब हम इसमें जो है ना ये जो मसाले लगाए हुए हमने चिकन रखा था इसमें इस तरीके से रख देंगे। सेट करके आप रख दें, सारा एक साथ रखा जाएगा। ये इसका फ्लेम देख लें, लो फ्लेम पे मैं इसे रख रही हूँ 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में हमने इसे रख दिया, और अब हम इसको ढक देंगे। 20 मिनट के बाद आप इसे देखेंगे, और अब बीच में आपने 10 मिनट्स के बाद आके इसकी साइड देख लीजिएगा, चेंज करनी है तो आपने वो चेंज भी करनी है। और फ्लेम भी मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल लो रख दिया। सब मैं यहाँ पे आपको बता दूँगी, 10 मिनट्स हो चुके हैं, और ये फ्लेम देख लें आप, मैंने फ्लेम वही रखा हुआ है। 10 मिनट्स के बाद मैं अभी इसको हटा दूँ क्योंकि अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें आप, हम स्टीम कर रहे हैं और इसकी साइड हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसको स्टीम किया है, तो एक साइड से तो काफ़ी अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। 10 मिनट्स अभी गुजरे हैं सिर्फ, और अब 10 मिनट्स बाद हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये आप इस तरीके से इसकी साइड चेंज करें।
आपके साइड चेंज करने के बाद मैं मज़ीद 10 मिनट्स के लिए इसे इसी तरीके से कवर कर दूंगी, ठीक है। अब 10 मिनट्स बाद फिर आती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि अब इसकी क्या लुक आएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कोयले की धुनी देने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोयला जो है अपने चूल्हे पे रख दिया, और ये देखें हमारा कोयला जो है ना पके रेडी हो रहा है। जब तक मैं आपको चिकन दिखा देती हूँ कि मेरा जो चिकन है 20 मिनट्स के बाद इसकी क्या, अब ये देख लें आप, सारी साइड से कुक हो गया अच्छी तरह से। ये सारी तरफ से कुक हो चुका है। अगर आपको कहीं से आप ईज़िली चेक कर लें सही तरीके से, अगर आपको कहीं पर लगे कि कहीं से ये कुक नहीं हुआ हुआ या सही तरीके से स्टीम नहीं हुआ, तो आप उसकी साइड को चेंज कर लीजिएगा। तो अब ये देखें आप हमारा के काफ़ी जो है अच्छे तरीके से दोनों तरफ से ब्राउन सा हो गया और सही तरीके से रेडी हो गया। दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया कि मैंने कोयले की धुनी देने के लिए कोयले को चूल्हे पे रख दिया गर्म करने के लिए। ये हमने स्टील की कटोरी बीच में सेट की है, ठीक है। और दूसरी साइड पे कोयला जो हमने गर्म करने के लिए रखा था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब ये कोयला इसके अंदर रख के इसके ऊपर डालेंगे, अब इसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी का जो है ना डाल देना है ये। ओहो ये, अब ये हम इसको बंद कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो कोयले की जो भाप है वो अच्छे से जो है ना चिकन के अंदर रस बच जाए। और आपको ये बहुत टेस्टी सा चिकन अभी मैं डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये 2 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें कोयले की भाप कितनी अच्छे तरीके से इसे कवर कर चुकी है। अभी मैं इसको खोलने लगी हूँ और अब आप इसकी शक्ल देखिए, वाह वाह बहुत ज़बरदस्त लजीज किस्म की जो है ना इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें जी आप, विदाउट स्टीमर के हमने जो है चिकन को स्टीम कर लिया है और लजीज किस्म का जो है हमारा जो चिकन है, चिकन स्टीम है, वो आप घर पे बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से मसाला इसमें रच बस चुका हुआ है और कितनी अच्छी और ब्राउनिश सी इसकी शक्ल और लुक भी नज़र आ रही है। तो इसके साथ हमें जो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।